दोस्तों यहाँ पे जो योगी जी मोदी जी जो गवर्नमेंट का आपको फ़ोन मिला है एंड दोस्तों उसमें एक प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही है, एरर कुड नॉट इंट्रोल योर फोन्स कनेक्ट सपोर्ट इफ़ दैट प्रॉब्लम्स कंटिन्यूस, एरर कोड दोस्तों यहाँ पे 51010 एंड दोस्तों सपोर्ट एंड उसके बाद में रिट्राई। तो आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम से फेस करने को मिल रही, इसे कैसे फिक्स आउट करना है आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मुझे पता है कहीं भाई लोग ऐसे जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एरर कोड की प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है 51010 की। एंड दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, जैसे ही आप लोग रिट्राई करते हो आपकी अप्लीकेशन है वो डाउनलोड इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद में भी सेम आपको वही वापस में आके वही प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल जाती है। बेसिक सी बात है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली है। अब ये गाइस यहाँ पे मैं पिछले वीडियो कई सारे वीडियो ऐसे डाल चुके हैं जो कि इसके अलावा कई वालों के फ़ोन में बटन काम नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और इसे सोल्व कैसे करना है, वो चीज़ जानने के लिए इस वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिट्राई वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में आपको फिर रिट्राई मतलब फिर यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही। तो सिंपली क्या करना है, जो आपकी फ़ोन की पावर वाली बटन होती है, एक्चुअली में क्या होता है ये प्रॉब्लम जब आती है जब आपका डिवाइस है सॉफ्टवेयर है वो क्रेश होता है, मतलब सर्वर डाउन होता है जिसे हम लोग बोल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो इस टाइम पर काफ़ी मतलब भाई लोगों को जो फ़ोन से गाइस यहाँ पर इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है वो एक दोस्तों यहाँ पर लो डिवाइस के फ़ोन होने वाला है, ठीक है। और यहां पे क्या है, आपको एक सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप सपोर्ट वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है एंड आप लोग सपोर्ट भी पा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको सिंपली एक काम करना है, आपको फोन की पावर वाले बटन पे प्रेस करना है, अपने मोबाइल फ़ोन को दोस्तों यहाँ पे रीस्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब मेरे में इस प्रकार से मतलब इंटरफेस देखने को मिल रहा है, अब हो सकता है आपके फ़ोन में मतलब रीस्टार्ट का ऑप्शंस किसी अलग प्रकार का हो। तो सिंपली क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद में एंड दोस्तों यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फ़ोन को दोबारा से ऑन करना है, पावर ऑफ करने के बाद में ऑटोमेटिकली आपका ऑन ऑफ हो जाएगा एंड उसके बाद में यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी वो फिक्स आउट हो जाएगी, ये वाली प्रॉब्लम आपकी फिक्स आउट हो जाएगी और आप लोग सपोर्ट से भी हेल्प ले सकते हो एंड उसके बाद में आप बहुत आसानी से अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। सो दैट उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।